वॉचिंग मी माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो देख रहे हो एपिसोड नंबर 5 देख रहे हो। एपिसोड नंबर 5 के अंदर हम देखने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। अगर एक सेम प्लेन है उसके अंदर ही एक से ज्यादा मासेस है तो उसका बैलेंसिंग किस तरीके से करेंगे। तो उसका बैलेंसिंग करने के लिए दो मेथड होती है, एक होती है ग्राफिकल मेथड और एक होती है एनालिटिकल मेथड। तो इस जो एपिसोड है इसके अंदर मैं सिर्फ उसकी थियरी बताने वाला हूं, ग्राफिकल मेथड की मदद से हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं और एनालिटिकल की मदद से किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और इसके बाद का जो एपिसोड होगा, यानी इसके बाद का जो एपिसोड होगा उसके अंदर मैं एग्जांपल लूंगा और इस एग्जांपल में हम ग्राफिकल की मदद से और एनालिटिकल की मदद से दोनों की तरीके से हम उसको सोल्व करेंगे। सो आपका आइडिया ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम ओनली थियरी का पहलू देख रहे हैं, उसके बाद मैं एक एग्जांपल लूंगा जिसमें जो दो मेथड मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस तरीके से मैं उसको सोल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो आपको सारा आइडिया क्लियर हो जाएगा। अभी आपको जब क्या करना है, मेरे को सिर्फ सुनना है, यू हैव टू जस्ट लिसन मी। आपको समझ में भी नहीं आता है नो प्रॉब्लम, इसके बाद जो एग्जांपल लूंगा उसके अंदर आपको सब समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ मुझे जिस तरह सुन रहे हो, मूवी देख रहे हो उस तरीके से मुझे सुन रहे हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आइडिया 50% या 80% आइडिया क्लियर हो जाएगा। सो बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन, उसमें दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है एनालिटिकल मेथड। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड देखते हैं। तो आपको क्या होगा एग्जांपल के अंदर, लेट अस टेक एग्जांपल कि मान लो कि आपको एग्जांपल के अंदर चार मासेस दिए गए, एक सेम प्लेन, वो बोलेगा आपको कि इट इज रोटेटिंग इन द सेम प्लेन, फोर मासेस आर देयर, दे आर रोटेटिंग इन द सेम प्लेन, सो दैट मासेस आर m1 m2 m3 एंड m4 और उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन आपको दी गई होगी। तो हम जो भी उसका एंगल लेंगे वो इस तरीके से लेंगे, ये ओएस डायरेक्शन लिया तो एंटी क्लॉकवाइज में हम लेंगे सारा डायरेक्शन। तो आपका जो m1 मास होगा उसका रिस्पेक्टिव एंगल थीटा 1 दिया गया होगा, m2 होगा उसका रिस्पेक्टिव एंगल थीटा 2 दिया गया होगा, m3 होगा उसका रिस्पेक्टिव एंगल थीटा 3 दिया गया होगा और m4 होगा उसका रिस्पेक्टिव एंगल आपको थीटा 4 होगा। सो यू आर हैविंग फोर मासेस m1 m2 m3 m4 जो आपके पास ऑलरेडी गिवन डेटा में होगा। आपका जो इस x एक्सिस के साथ ox एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहे रिस्पेक्टिव मासेस थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 वो एंगल भी दिए गए होंगे। सो यू आर हैविंग m1 m2 m3 m4 और थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 ये आपको दिया गया होगा। उसके अलावा आपको जो मास m1 है उसका सेंटर ऑफ यानी उसका रेडियस ऑफ रोटेशन से उसकी जो एक्सिस होगी उसकी जो मैट्रिक ज्योमेट्रिक सेंटर लाइन है यही एक्सिस की जो सेंटर लाइन है शाफ्ट की जो सेंटर लाइन उससे उसके सेंटर से मास के सेंटर तक यानी रेडियस ऑफ रोटेशन। तो m1 का रेडियस ऑफ रोटेशन r1 दिया गया होगा, m2 का रेडियस ऑफ रोटेशन r2, m3 का r3 और m4 का r4। सो गिवन डेटा क्या होगा आपके अंदर, गिवन डेटा के अंदर यू आर हैविंग m1 m2 m3 m4 एंगल थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 रेडियस r1 r2 r3 एंड r4। सो दिस इज योर गिवन डेटा। ढूंढना क्या होगा आपको, यू हैव टू आपको बोलेगा और एक चीज आपको बोलेगा वो बैलेंसिंग मास ढूंढो, फाइंड आउट द बैलेंसिंग मास, ठीक है। ये आपको बोलेगा फाइंड आउट द बैलेंसिंग मास, या फिर और जब बैलेंसिंग मास उसको ढूंढने का बोलेगा तो और साथ में बोलेगा उसका एंगल भी ढूंढो, also find the angle of balancing mass। तो आपको एक चीज उसको देनी पड़ेगी वो होगी radius of balancing mass। so radius of balancing mass given data के अंदर होगा। so आपके पास चार mass हो गए, चार angle, चार radius और जो balancing mass है उसकी radius of rotation दी गई होगी। only thing you have to find is balancing mass कितना है और उसका angle कितना है, you have to find these two things, okay। now हम क्या करेंगे, simple सा एक ये जो बोल गए simple सा diagram दो लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने इस तरीके से जस्ट इसको रिप्रेजेंट करता हूं, एक डायग्राम लिया है, m1 मास है जो एंगल बन रहा है ox एक्सिस के साथ थीटा 1 रेडियस ऑफ रोटेशन r1, ये m2 मास है उसकी रेडियस ऑफ रोटेशन r2 है और ये आउटपुट डायरेक्शन में सेंटर को fc1 fc2 दिखा, इसका ये जो एंगल बना रहा है वो थीटा 2 है। उसी तरीके से मास m3 उसका जो रेडियस है वो r3 और जो एंगल बन रहा है वो थीटा 3 fc थ्रू सेंट्रिपेटल फोर्स इन आउटपुट डायरेक्शन। उसी तरीके से m4 और ये हो जाएगा थीटा 4 रेडियस हो जाएगी r4 है mc4। तो इस तरीके से लो रहा है जिस तरीके से मुझे एंगल दिया होगा, बोला होगा आपको थीटा 1 0 डिग्री है या फिर आपको कुछ बोला होगा थीटा 1 35 डिग्री, थीटा 2 90 डिग्री है, थीटा 3 आपको कुछ बोल देगा वो 90 प्लस समथिंग यानी 120 डिग्री है, थीटा 4 के बारे में तो ये आपको डिग्री देगी हुई। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ये जिस तरीके से आपको एंगल देगा उस तरीके से आपको इस तरीके से सिंपल स्पेस डायग्राम ड्रॉ करना है। अब हमें ये नहीं पता है कि हमारा जो बैलेंसिंग मास होगा वो कौन से प्लेन में आएगा, वो यहां पे होगा यहां पे होगा यहां पे होगा या फिर यहां पे होगा, तो वो अभी हमें ड्रॉ नहीं करना है। बैलेंसिंग मार उसका एंगल थीटा भी वो हमें नहीं पता, वो लास्ट में ढूंढेंगे, लास्ट में हमें बल पता लगेगा, अब यहां पे ड्रॉ करेंगे। अब हमें करना क्या है, हमें चार सेंट्रिपेटल फोर्स ढूंढने हैं यानी fc1 fc2 fc3 एंड fc4 जो के हो जाएगा m1 r1 fc2 होगा m2 r2 m3 r3 एंड m4 r4।
तो आपके पास M1 R1 होगा, मान लो कि आ रहा है 6 kg meter, M1 R1 आपकी वैल्यू दी गई होगी, ये होगा 4 kg meter, ये हो जा रहा है 8 kg meter, ये हो रहा है 12 kg meter, ठीक है। तो आपको चार फोर्स दिया, आप क्या करना है, आपको एक सुटेबल स्केल लेनी है, जैसे कि आप एक सुटेबल स्केल ले लो, जैसे कि मैं रिज्यूम करता हूं 1 cm इज इक्वल टू 1 kg meter, दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं कुछ एक्यूरेट नहीं कर रहा हूं ना मैं गिन रहा हूं, वो तो आपको ही गिनना है, जस्ट गिविंग इट डेमो, आपको सुटेबल स्केल लेनी है, आदर यू कैन टेक 1 mm और जो भी आपको ठीक लगे, मैं आई एम टेकिंग जस्ट एग्जांपल कि आपको स्केल लेनी है, आई एम टेकिंग 1 cm इज इक्वल टू 1 kg meter, तो अब मैं क्या करूंगा, आपको कोई पॉइंट ओ ले लेना है, सो दिस इज आई हैव टेकन दिस पॉइंट ओ, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले मुझे लेना है OA, यानी M1 मास वाला, तो मैंने देखा कि उसका FC1 वैल्यू कितनी है 6 kg meter, तो मैंने लिया है 1 cm इज इक्वल टू 1 kg meter, तो मैं क्या करूंगा 6 cm वाली मुझे लाइन ड्रॉ करनी होगी, पर क्या एंगल, तो हमारे पास थीटा 1 एंगल दिया गया होगा, सो यहां पे थीटा 1 एंगल आपको डिवाइड डिटर्म होगा मान लो 30 डिग्री, सो यहां से आपको प्रोटेक्टर रखे, ये जो थीटा 1 है वो 30 डिग्री हो, उस तरीके से आपको मैंने स्केल लिया, उस तरीके 6 सेंटीमीटर वाली लाइन आपको ड्रॉ करनी है, सो यू विल ड्रॉ 6 सेंटीमीटर लाइन व्हिच इज मेकिंग एंगल थीटा 1 इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहां पे आ गए, ये मास लोकेट हो गया, अब आएगा दूसरा मास OB, जो बना रहा है ये जो OX एक्स के साथ ही सारे एंगल लेने हैं, सो OX के विद रेफरेंस टू OX ये एंगल बना रहा है, मान लो कि 90 डिग्री, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे इस तरीके सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब जो दूसरी लाइन आएगी वो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री बनाएगी, सो थीटा टू 90 डिग्री, पर कितना ड्रॉ करेंगे ये हमें स्केल की, जैसे कि यह 4 केजी मीटर आया हुआ है, तो हमने लिया 1 cm इक्वल टू 1 kg meter, तो मैं यहां पर 90 डिग्री पे 4 सेंटीमीटर की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, सो आई एम ओवर हियर, अब मैं आ गया बी के ऊपर। अब हमारा क्या दूसरा मास है, तीसरा मास है ओसी, तो ओसी है, तो ओसी के लिए हमारे पास FC3 क्या आया हुआ है, M3 आ गया, यानी 8 kg meter, यानी 1 cm करो 1 kg meter लिया, तो मुझे 8 cm की लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन कितना एंगल बनाए, मान लो कि यहां पे थीटा 3 बोला है 120 डिग्री, तो आपको यहां पे इस तरीके से रख के एंटी क्लॉकवाइज में जहां पे 120 डिग्री बन रहा हो वहां पे आपको 8 cm की इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। अब रहा लास्ट मास, तो ये लास्ट मास आ रहा है जो कि है M4, जो कि आउटवर्ड उसका फोर्स है सेंट्रिपेटल फोर्स FC4, तो मान लो कि वो आ रहा है हमारे पास 12 kg meter, तो मुझे 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है यहां पे, सो 12 सेंटीमीटर की आपको लाइन ड्रॉ करनी है, तो कितने एंगल पे, तो यहां पे मान लो आपको एंगल दिया हुआ है 230 या 220 दे दिया आपको, सो मैं क्या करूंगा यहां पे इस तरीके से रखूंगा एंटी क्लॉकवाइज में जहां पे 220 डिग्री बन रहा है हुआ है वहां से मैं 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो अब चारों के चारों मास M1 M2 M3 M3 चारों के चारों मास उसके FC1 FC2 FC3 FC4 उसके स्केल जिस तरीके से हमने लिया उस हिसाब से हमने ड्रॉ कर दिए। जो लोग कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर आपने 1 cm 1 kg meter, तो मैंने कुछ लॉजिक नहीं सोचा यहाँ पे, ऐसे ही आपको समझाने के लिए मैंने इस तरीके से स्केल ले लिया, आपको जो कन्वीनियंट लगे, आपको लोगों इतनी साइज में आ जाएगा, आपको उस तरीके से लेना है, आई एम जस्ट गिविंग यू द डायरेक्शन, फिर यू हैव टू यूज योर ओन माइंड। तो यहाँ पे आ गए, अब ये चारों के चारों वेक्टर आ गए 1 2 3 4, अब तो कुछ बचा नहीं, तो अब जो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट उसको जो जोड़ेगा, तो उसको हमें पेंसिल से जोड़ देना है, ठीक है। ये जो लास्ट जो लाइन बनेगी जो जोड़ेगी इसको बोले क्लोजिंग लाइन, जो वो क्लोजिंग लाइन बनेगी वो हमारा हो जाएगा बैलेंसिंग सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, और जो वो एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल एंटी हॉरिजॉन्टल के साथ एंटी क्लॉकवाइज में वो हो जाएगा हमारा थीटा, यानी रिजल्टेंट एंगल, ठीक है। तो हमें मिल गए यहां पे बैलेंसिंग सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, मान लो कि बैलेंसिंग सेंट्रिफ्यूगल फोर्स हमें मिला है वो होता है 8 cm, पर हमने तो स्केल माप क्या लिया था 1 cm इज इक्वल टू 1 kg meter, तो हमारा बैलेंसिंग मास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा 8 kg meter, फिर आपको उसको स्केल माप में कन्वर्ट कर देना जिस तरीके से आपको लिया, तो अभी आपको बैलेंसिंग फोर्स मिल गया 8 kg meter, तो जिस तरीके से यहां पे बैलेंसिंग मास आपको मिला 8 kg meter, तो यहां पे 8 रख दो, MB RB मान लो आपको रेडियस ऑफ रोटेशन दिया गया होगा, फॉर ये गिवन डेटा में होगा, इस दोनों में से कोई एक चीज तो उसको देनी ही है, तो ये 4 दिया हुआ है, तो 8 / 4, तो आपको मास मिल जाएगा, बैलेंसिंग मास विल बी 2 kg, ठीक है। अब उसका एंगल, तो एंगल कुछ नहीं है बैलेंसिंग मास का, यहां से हम सिंपली प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ, यहां से हम एंगल उसका मेजर कर रहे हैं, मान लो आ रहा है 110 डिग्री, सो दिस इज 110 डिग्री, तो अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए रिजल्टेंट का एंगल, ठीक है। तो रिजल्टेंट का एंगल हमें क्या होगा वो हमें देखना है, तो अभी हमने क्या किया रिजल्टेंट का, ये बैलेंसिंग मास यहां पे मैंने लिख दिया 4, अपना क्या आया था यहां पे आंसर, हां यहां पे हमने बैलेंसिंग मास 2 kg ढूंढ लिया है, ठीक है। अब अपना रिजल्टेंट यहां से हमने मेजर किया वो आया 120 डिग्री,
तो अब हमारा बैलेंसिंग मास कितना होगा? सो बैलेंसिंग मास हमेशा रिजल्टेंट से 180 डिग्री होता है, आप याद रखिए, क्योंकि बैलेंसिंग फोर्स और रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूग दो दे बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो आपका जो रिजल्टेंट एंगल आएगा उससे 180 डिग्री ऐड करने के बाद आपको बैलेंसिंग मिलेगा। तो 120 प्लस 180 ऐड कीजिए तो आपका हो जाएगा 300 डिग्री, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको बैलेंसिंग मास यहां पे मिल जाएगा। सो 120 प्लस 180 व्हिच इज 300 डिग्री, तो आपको बैलेंसिंग मास मिल गया। तो अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस तरीके से आप ड्रॉ कर लो बैलेंसिंग मास। तो अब तो यहां से आप 300 डिग्री आप कहां से भी मेजर कर सकते हो। तो आप यहां पे बैलेंसिंग मास का एंगल लगा दो 300 डिग्री, इसको थीटा भी बोल दो बैलेंसिंग मास का। फिर यहां पे एमबी लिख दो, जो भी आपका आया है, आरबी तो आपके पास है, तो आप यहां पे आपका स्पेस डायग्राम बन जाएगा और जहां पे एमबी होगा वहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली विद द हेल्प ऑफ ग्राफ विद टेकिंग यूर सुटेबल स्केल आप उस तरीके से सोल्व कर सकते हो। अब आते हैं एनालिटिकल मेथड में। अगर किसी को एनालिटिकल मेथड से करना है तो क्या करना है, तो हमें पता है कि M1 R1 दिया गया होगा, एंगल थीटा 1 होगा हमारे पास, M2 R2 होगा, एंगल थीटा 2 होगा, M3 R3 होगा, एंगल थीटा 3 दिया गया होगा, M4 R4 होगा और एंगल थीटा 4 हमको दिया गया होगा। तो कुछ नहीं करना है हमें, जो भी फोर्सेस उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है। जिस तरीके से चार मास है तो हमें लेना है M1 R1 cos थीटा 1 plus M2 R2 cos थीटा 2 plus M3 R3 cos थीटा 3 plus M4 R4 cos थीटा 4। तो इससे हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स मिलेगा। सेम उसी तरीके से हमें वर्टिकल फोर्स लेना तो सिर्फ कोस की जगह पे साइन आ जाएगा हर जगह पे। तो इस तरीके से हमें वर्टिकल फोर्स मिल जाएगा। अब हमें लेना है रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ नहीं होगा, अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। तो यहां से हमें रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी मिल जाएगा। तो यहां पे आपको मान लो मिल गया 8 केजी मीटर, यहां से आपको सॉल्व किया, रेडियस उसकी दी गई होगी, बैलेंसिंग की रेडियस मान लो आपको दिया गया है 4, तो यहां से आपको बैलेंसिंग मास मिल जाएगा, दैट विल बी 2 केजी, ठीक है। उसी तरीके से आपको एंगल ढूंढना है रिजल्टेंट का, तो हो जाएगा वर्टिकल फोर्स अपॉन हॉरिजॉन्टल का फोर्स। तो जो भी रिजल्टेंट आपका एंगल निकल के आता है, लेट अस टेक 120 डिग्री, तो आपका जो मैंने बोला बैलेंसिंग मास होगा उसका अपोजिट होगा, यानी 180 डिग्री उसमें ऐड कर दो तो आपका रिजल्टेंट का जो बैलेंसिंग मास है उसका एंगल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें काम करना है, तो बहुत ही इजी है। अब आपको जानना है कि बैलेंसिंग मास कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वैसे तो आपको एंगल से ही पता चल जाएगा यहां से कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा अगर दोनों साइड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लस प्लस आता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा बैलेंसिंग मास। फिर एक नेगेटिव आता है और एक पॉजिटिव आता है, तो उसी तरीके से आप सेकंड क्वाड्रेंट में भी ले सकते हो। उसी तरीके से दोनों नेगेटिव आ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, फिर एक पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा, पर आपको वो करने की जरूरत ही नहीं, आपको थीटा मिल जाएगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा बैलेंसिंग मास कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस तरीके से आप ग्राफिकल एनालिटिकल की मदद से इस तरीके से बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस इन सेम प्लेन को सोल्व कर सकते हो। ये तो जो मैंने मेथड आपको समझाई हुई इसका सेम एक एग्जाम्पल लेके दोनों तरीके से आपको मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं। तो इसका जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें एग्जाम्पल होगा जिसमें मैं ग्राफिकल की मदद से भी सोल्व करूंगा और एनालिटिकल की मदद से भी सोल्व करूंगा, जिससे आपको ज्यादा पसंद आए। अगर आपको लेक्चर पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।